हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। फवाद साहब, आप ये बताएंगे आज किसी भी लीडरशिप को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू का माहौल लगा हुआ है, और किसी को अंदर मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा, और अल जजीरा वालों को भी बाहर ही रोका है, मैंने अभी देखा है। तो आप क्या, तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बाहर रोक लिया गया है। सड़क जो मेन है आप देख रहे हैं, कई किलोमीटर दूर इन्होंने ये सारी सड़कें बंद कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे हैं, उसके बाद आपके स्पीकर जो हैं पंजाब असेंबली, पूरी पंजाब की काबीना यहाँ पे है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना यहाँ पे है, और कई किलोमीटर्स में ये सड़कें बंद कर दी गई हैं, और लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ का सामना है। और कह रहे हैं कि हमने अदालत के हुक्म पर यह किया है, जबकि अदालत का हुक्म कोई ऐसा नहीं है, वो तो प्रेमिसिस के बारे में है, वहां कोई जा ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनका तो हुक्म नहीं था कि इस तरह से सारी सड़कें इस्लामाबाद की इधर से कश्मीर हाईवे से लेके ये सारी सड़कें रोक दी जाएं। एक पूरा क्योस हो गया है इससे, और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और प्रेमिसेस को खोलना चाहिए। और फिर ये जो कोई यहाँ पे अवामी उस तरह का मॉब तो है नहीं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और केपी के, और उन सबको भी यहाँ पे रोक लिया गया।